हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिनव। दिल्ली के टूरिस्ट ब्लॉग और भी कई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पहाड़ी बसों करो सब्सक्राइब। इस लाल कलर के बटन को क्लिक करके और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए बिल्कुल फ्री में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिनव। जल्दी करके मेरे चैनल पहाड़ी बसों करो सब्सक्राइब। इस लाल कलर के बटन को क्लिक करके और बगल में घंटे का बटन है, उसको दबाना मत भूलना, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे बिल्कुल फ्री में। आज के इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि मैंने पिछला पीछे टी शर्ट को कैसे कैसे डिज़ाइन किया, कस्टमाइज किया। और वैसे डिस्टा पेन से हम हर एक चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे वो कैप हो, विजिटिंग कार्ड हो, पॉलिस्टर टी शर्ट हो, कॉटन टी शर्ट हो, हर एक टी शर्ट को अपने तरीके से हम कस्टमाइज की जा सकती है और डिज़ाइन की जा सकती है, परचेज की जा सकती है। मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जितना हो सके वीडियो को फैला दो और बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम सीधा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। जल्दी जाकर हमने कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है, जैसे कि मैंने ओपन किया गूगल क्रोम। उसमें हमने टाइप करना है www.vistaprint.in। जैसे ही हम ये एड्रेस डालेंगे तो हमें विस्ता प्रिंट का कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये विस्ता प्रिंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब मैं आपको बता दूं, हम विस्ता प्रिंट में कई तरह की चीज़ें प्रिंट करा सकते हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड, पोलो टी शर्ट, प्रिंटेड टी शर्ट, बैक पेन, बैग्स और कई तरह की चीज़ें हम प्रिंट करा सकते हैं, अपने तरीके से कस्टमाइज करा सकते हैं और मन चाहा डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा पॉलिस्टर टी शर्ट। ये तीन रेंजों में आती हैं, 250, 325 और 399। मैं आपको बता दूं, पॉलिस्टर टी शर्ट थ्री डिफरेंट प्राइसेस में आती है। पहली 250, दूसरी 325 और तीसरी 399। ये थ्री डिफरेंट प्राइसेस में आती है। और अगर हमें कोई भी प्राइस पसंद करना है कि हमें इस प्राइस में हमें टी शर्ट प्रिंट करनी है, तो हमें सीधा गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। जैसे ही हम गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे तो टी शर्टों के कई सारे टेम्पलेट्स हमें देखने को मिलेंगे। ये सारे टी शर्टों के टेम्पलेट्स हैं कि हमें किस किस तरीके से टी शर्ट को प्रिंट करा सकते हैं। ये बहुत सारे टेम्पलेट ये कई होते हैं। अगर हमें कोई सा भी एक टी शर्ट का टेम्पलेट पसंद आता है, जैसे कि मुझे सबसे लास्ट में कोने वाला पसंद आया, तो हमें उसमें क्लिक करना होगा। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसका इंटरफेस हमें दिख जाएगा कि हमें डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। तो हमें पहले तो अपना लोगो लगाना पड़ेगा नीचे। लोगो नीचे लगाने के लिए हमें इमेज में क्लिक करना होगा। ये हमें देख रहे हैं कि हम अपना लोगो लगा रहे हैं। जैसे ही अपना लोगो लगा के हमें सेट करना होगा कि अपने मनचाहे अनुसार हम इस इमेज को सेट कर देंगे, इमेज को अच्छी तरह से सेट कर देंगे। उसके बाद जो कंपनी नेम है उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने लगा दिया YouTube। लगाने के बाद हमें अपने तरीके से जैसा हमें सेट करना है वैसा सेट कर सकते हैं। और नीचे जो फ़ोन नंबर ऑर्डर दे रखा है उसमें भी हम इमेज लगा सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। और जो हमने ऊपर YouTube लगा रखा है उसको अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट करके सेट कर सकते हैं। और जैसे ही अच्छी तरह के सेट हो जाए, ये अभी प्रॉपर तरीके से सेट हो रहा है और ये ऑलरेडी सेट हो चुका है। हम चाहे तो उसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये देखने में कैसा लगेगा।
ये हमारा जो टी शर्ट हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है ये हमारा कुछ इस तरह दिखने को लगेगा। अगर हमें ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो नीचे दिखा रहा है आई हैव रीड ऑल द स्टेटमेंट अबव हैज़ अप्रूव, इसमें टिक मारना है, कंटिन्यू में क्लिक करना है। हमें जब टी शर्ट परचेज करनी है तो हमें चेकआउट में क्लिक करना पड़ेगा, उसमें क्वांटिटी दे रखी होती है कितने टी शर्ट हमें ऑर्डर करनी है। इसका प्राइस दे रखा है 250। इसका हमने डिलीवरी एड्रेस आपका डाल रखा है जहाँ पर हमारा ये ऑर्डर डिलीवर होके आएगा। फिर हमें नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। जैसे ही हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो हमें ये हमें बताएगा कि आपको किस तरीके से पेमेंट करनी है, कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, ईएमआई वॉलेट। हम किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि सबसे आसान तरीका है कैश ऑन डिलीवरी। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अभी अभी जो विस्तार टी शर्ट को डिजाइन किया था, अब मैं अपनी आपको टी शर्ट दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपनी विस्तार टी शर्ट को डिजाइन किया था, परचेज की थी और ऑर्डर करी थी। चलिए हम अपनी विस्तार प्रिंट से डिजाइन की हुई टी शर्ट को अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको लोगों को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने विस्तार प्रिंट से टी शर्ट को डिजाइन की थी और ये मेरे पास आ चुकी है। अब मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आपको। देख सकते हैं ये विस्टा प्रिंट से डिजाइन की हुई टी शर्ट है। अब मैं आपको सीधा दिखाता हूँ कि मैंने कैसे टी शर्ट को डिजाइन की थी और मेरे पास कैसे आई है। ये मेरी पॉलिस्टर टी शर्ट है व्हाइट कलर की। आप ये देख सकते हैं मैंने ये टी शर्ट को डिजाइन किया था और ये कस्टमाइज की थी। ये टी शर्ट तो आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से मेरे टी शर्ट को कस्टमाइज किया है और मेरे पास प्रिंट होके आ चुकी है। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये मैंने डिजाइन करी थी टी शर्ट। ये है पॉलिस्टर टी शर्ट, ये मेरे को पड़ी है 250 के आसपास। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।